साबिक निजाम हुकूमत के मंसूबे आंख का तारा बन गए। मौसम नकवी के शुरू करता किजाफी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बड़ी पेशम। 40 लाख गैलन पानी की स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तैयारी का आगाज। मंसूबा दिसंबर में मुकम्मल होगा। 1 अरब 12 करोड़ लागत आएगी। बारिशी पानी वाटर टैंक में स्टोर होगा। निशेबी इलाके डूबने से बचाएंगे। पानी को स्पोर्ट्स ग्राउंड्स किजाफी स्टेडियम की आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भीख मांगी या मंगवाई तो सीधा जेल जाओगे। भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। भिखारी माफिया को 8 साल तक सजा, 5 लाख जुर्माना होगा। पंजाब विग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में तरह में मंजूर। इंसानी आजा को भीख मंगवाने के लिए जाया करने पर 10 साल सजा होगी। भिखारी को हायर करने पर 3 साल के लिए जेल जाना होगा। लाहौर पर घनघोर घटाओं करार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोटलखपत टाउनशिप, जेल रोड, मॉल रोड और अतराफ में रिमझिम। समनाबाद, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलबाग में हल्की बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम मस्त बना दिया। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। टैक्सों पर टैक्स नामंजूर। ताजरों का कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। लाहौर की बड़ी मार्केटों में भी शटर डाउन होगा। अंजुमन ताजरान कायद आजम मुजाहिद मकसूद बट ग्रुप का हड़ताल का ऐलान। शाला मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, हाल रोड बादामी बाग ऑटो मार्केट बंद रहेगी। माल रोड ट्रेडर्स, हाल रोड अंजुमन ताजरान लिबर्टी मार्केट, गणपत रोड ट्रेडर्स, ब्रेंडरथ रोड वाले हड़ताल करेंगे। लंडा बाजार, नई अनारकली, आबिद मार्केट, मार्बल मार्केट बंद रहेंगी। कार डीलर्स फेडरेशन, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन यकजुबान। हड़ताल पर ताजर ग्रुपों में धड़ेबाजी। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का कल बाजार खुला रखने का ऐलान। कच्चा जेल रोड, सर्कुलर रोड, मॉल रोड, होल रोड खुला रहेगा। नीला गुम्बर, जीटी रोड, भगवानपुरा, शतरा मार्केट खुली रखने का फैसला। टाउनशिप, लिटन रोड, बरकत मार्केट, इच्छा बाजार, पुरानी अनारकली खुलेगी। सदर शाहदरा बोर्ड, मियाँ खलील उबैर, सीनियर नायब सदर होल रोड अजहर सुल्तान ने भी हड़ताल की मुखालफत कर दी। महंगाई और नाजायज टैक्सों ने आवाम का जीना धोबर कर दिया। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को मुल्कगिर हड़ताल की कॉल दे दी। शहर की अहम मार्केटों में हड़ताली कैंप कायम। अमीर जमात हाफिज ने मोहरमान की हाल रोड पर एहतजाजी कैंप का दौरा। कहा जुल्म का निजाम कबूल नहीं करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। लाहौर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। मुलाजमीन कहते हैं हुकूमत गरीबों पर जुल्म ढाने से बाज रहे। मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद चली गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत, MD यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने दरख्वास्त पर समाप्त की। 11,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। लेस्को की निजकारी नामंजूर। वापडा हाइड्रो यूनियन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। ट्रक लगाकर रास्तों को बंद किए रखा। यूनियन अहदेदारान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शिमला पहाड़ी के अतराफ घंटों ट्रैफिक जैम रही। बिजली चोरी रोकने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। 100 और 200 KV के ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नष्ट करने का मंसूबा। 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स लगाए जाएंगे। लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर मंसूबा बनाया गया है। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ जारी। UET कंप्यूटर साइंस शोबे को 56 मिलियन रुपए दिए गए। GCU में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए 112 मिलियन रुपए मुंतकिल। कॉलेज टीचर इंटर्न के वाजिबात के लिए 24 करोड़ 40 लाख के फंड जारी। 10 लाख दें गाड़ी का मनपसंद नंबर लें। महकमा एक्साइज ने वेंटी प्लेट्स को खत्मी शक्ल दे दी। नंबर प्लेट्स प्लाटिनियम, गोल्ड और कारपोरेट कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटिनियम कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन की कीमत 50 लाख होगी। गोल्ड कैटेगरी में 5 लाख, कारपोरेट कैटेगरी में 1 करोड़ से रजिस्ट्रेशन होगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सियासी जमात, जात, बरादरी के नामों की प्लेट्स नीलामी में शामिल नहीं होंगी।
पीएचएनई कमाई का नया तरीका ढूंढ लिया। शहर के अंडर पासेज और पुलों को मुनाफा बख्श बनाने का फैसला। अंडर पासेज और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस से आमदन के लिए लीज पर देने का फैसला। 11 अंडर पासेज कारोबारी तशहीर के लिए इस्तेमाल होंगे। पीएचए को 8 करोड़ से ज्यादा आमदन होगी। ताजर 2 स्कीम में मुमकिन तब्दीलियों पर गौर। ताजर का ऑडिट FBR हेडक्वार्टर्स करने का मजाज होगा। टैक्स रिटर्न फॉर्म उर्दू में आसान और सादा जारी होंगे। एडवांस टैक्स सालाना रिटर्न में एडजस्ट किया जाएगा। टैक्स खुदकार निजाम के तहत ताजर के अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में टीबी सहूलतों का भुगतान। MRI सिटी स्कैन के कंट्रास्ट इंजेक्शन फिर नायाब हो गए। मरीज हजारों का इंजेक्शन बाजार से खरीदने पर मजबूर। अस्पतालों ने रवा माली साल भी कंट्रास्ट इंजेक्शन न खरीदे। मरीज इंजेक्शन खरीदने की सकत न होने पर टेस्ट करवाने से कासिर। छोटों के साथ बड़ों को हिफाजती टीके लगाने का इंतजाम। सर्विस अस्पताल के ओल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर कायम। कुत्ते के काटने के इंजेक्शन भी मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर में लगेंगे। एक हफ्ते में इफ्ताह के साथ फाल किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा के इख्तियार बहाल। किसी भी सेक्रेटरी कमिश्नर या डीसी के खिलाफ मुकदमे का अख्तियार मिल गया। डीजी के इख्तियार सलब करने का ऑर्डिनेंस वापस बिल की सूरत में ना लाने का फैसला। कैप्सूल व्हीलचेयर लिफ्ट क्यों नहीं लगाई। अदालत ने गल्फ एलिवेटर लिमिटेड गुलबर्ग के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को 12,50,000 रुपए वापस करने की हिदायत। 40,000 हर्जाना भी अदा करना होगा। सारिफ अदालत का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी समय दिगर मुकदमात की समाप्त के लिए स्पेशल बेंच कायम। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अमजद रफीक कत्ल की अपीलों पर समाप्त करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 9 डिवीजन बेंच और 20 सिंगल बेंच कायम। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कीले नो। फयाज अहमद चौधरी चेयरमैन। NTDC मुकर्रर। शेख इमरानुल हक, अरमीना असद मलिक, नवीद अशरफ, नवीद अरशद बोर्ड के रुकन नामजद। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सरबरा JUI ने चौधरी शुजात के घर जाकर रियादत की। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान जावंज भी गए। मौलाना सैयद महमूद मियाँ की सिर सदारत इजलास में शिरकत। 7 सितंबर को गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इंतजाम पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर शाफी हुसैन से 13 ममालिक के एजाजी कौंसल जनरल्स की मुलाकात हुई। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कान से आगाह किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का FM सेहत जिंदगी स्टूडियो का दौरा। पंजाबी जबान में महकमा सेहत के मंसूबों पर इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। बोले शोबा सेहत के मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल की शिरकत। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन, टाउन कारपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के दायरा कार पर गौर। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर को बिग सिटी करार देने की तजवीज़। मैट्रिक का दूसरा सालाना इम्तहान। वज़ीर तालीम लाल इंस्टीट्यूट सेंटर पहुँचे। उम्मीदवारों से बातचीत। बूटी माफिया और इम्तहान के इंतजाम बारे सवाल पूछे। निगरान अमले की जानिब से पैसों की डिमांड तो नहीं की जा रही। राणा सिकंदर का तुलबा से सवाल। इंतजाम सख्त हैं, किसी ने पैसे नहीं मांगे। तुलबा का जवाब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जेर सदारत इजलास। शहरी और दही फ्लड पर काबू पाने के लिए मुश्तरक प्लान बनाने की हिदायत।
नबील जावेद की हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और पीटीएम को भी हिदायत। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड जारी करने का मुआहदा, महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। बैंक के सदर जफर मसूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को एटीएम कार्ड जारी करेगा। हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक अदायगी शुरू होगी। रेलवे हुकाम का फिर तवानाई बचाओ मंसूबा लाने का फैसला। मुल्क भर के स्टेशनों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज। मरहलावार रेलवे स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में 41 स्टेशन सोलर पर मुंतकिल होंगे। DGLDA का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। ताहिर फारूक ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आई दरख्वास्तों का जायजा लिया। शहरियों के लिए वन विंडो सेल पर ऑनलाइन नक्शे जमा करवाने की सहूलत भी मौजूद है। DC लाहौर का शहर का दौरा। कैंटो वॉर्टन कंटोनमेंट बोर्ड में सफाई सुथराई का जायजा लिया। ओपन प्लॉट्स में गंदगी के ढेर मौजूद होने पर इशारे नाराज की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा मूसा रसका मॉडल स्ट्रीट अटैचगढ़ का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर विंग को मटेरियल टेस्टिंग और सर्वे करवाने की हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। रावी टाउन अलामा इकबाल टाउन के रेवेन्यू विंग अफसरान शरीक हुए। शहर को कूड़े से पाक करने का मिशन। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट डंपिंग की इजाजत दे दी। शहर की 300 से ज्यादा सोसाइटीज आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर डंपिंग करेंगी। लाहौर चैम्बर के बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारियां। प्या फाउंडर LBF अलायंस के उम्मीदवारों का अबू यूसुफ ट्रेडर्स का दौरा। चौधरी याकूब हुसैन, इरफान इकबाल शेख, शेख आसिफ, अमजद चौधरी मिले। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, मोहम्मद चौधरी, हाजी नवाज पप्पू, अली रजा की शिरकत।